इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें, मेरे पास कलर्स हैं, ग्रीन में है, रेड में है और यहाँ पे ऑरेंज येलो कलर्स है, और जेलेटिन मेरे पास है, ये वाला जेलेटिन मैंने यूज़ किया है, देख लें आप भी, 2 टेबलस्पून जेलेटिन है, यहाँ पे पाउडर शुगर है और कॉर्नफ्लोर है 1/4 कप। चलते हैं हम अब मार्शमेलो की रेसिपी की तरफ। स्टेप है कि जिसमें आपने मार्शमेलो का जो मटेरियल है पोर करना है, आपने वो वाला सांचा जो है मोल्ड वो पकड़ना है और उसके बाद हमने ये इसे स्टेनर को इसके ऊपर रखना है। पाउडर शुगर को हमने इसके थ्रू स्टेन कर लेना अच्छी तरह से, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। इससे ये होगा जो इस तरह के पार्टिकल्स रह जाते हैं शुगर के, वो हम अलग कर देंगे और पाउडर शुगर जो है वो अंदर इसके चले गए। सेकेंड स्टेप है, आपने कॉर्नफ्लोर 1/4 कप हमने लिया है, आपने इसको भी अच्छे से स्टेन कर लेना, ये बिल्कुल ऐसे जैसे हमने पाउडर शुगर को किया है। अब करना आपने ये है कि इसके सारी साइड्स पे आपने ये जो पाउडर मटेरियल शुगर ने ऐसा करना है कि जो पाउडर शुगर है और कॉर्नफ्लोर है उसको आपने 4 साइड्स पे अच्छी तरह से लगा देना अपने हाथों की मदद से। स्टेप पे आपके पास, मेरे पास यहाँ पे 2 टेबलस्पून जेलेटिन पाउडर है, अब मैं इसमें नीम गर्म पानी ऐड करूँगी। जितनी क्वांटिटी में आप जेलेटिन पाउडर लेंगे ना, तो आपने उसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जेलेटिन का लिया था पाउडर का, तो मैंने इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड कर दिया ताकि जो जेलेटिन है वो इजीली इसमें एब्जॉर्ब और डिजॉल्व हो जाए। अब आप देख भी सकते हैं सारे पार्टिकल्स को हमने इसमें अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर दिया है, बस अच्छे से आपने करना है। एक बात ही आपने याद रखनी है। थर्ड स्टेप है कि हमने आप एक फ्राइंग पैन, सॉस पैन जो भी अवेलेबल है घर में वो ले लेना है आपने, और इसमें 1/2 कप ऑफ वाटर ऐड करना है। देन 1 कप शुगर आपने इस पानी में ऐड कर देना है और उसको आपने अच्छे से मिक्स करते जाना है। शुगर को आपने पानी के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर देना, यहाँ तक कि जब एब्जॉर्ब हो जाए अच्छी तरह से और बबल्स बनने लग जाए तब आपने चेक करना है इसको कि ये मटेरियल अच्छे से तैयार हो चुका है। चम्मच आपने साथ साथ हिलाते जाना है आराम आराम से और धीमी आँच में आपने इसको पकाना है लो फ्लेम। शुगर सिरप हो चुका है रेडी, इसको तकरीबन 15 मिनट मैंने पकने दिया हल्की आंच में, ये देखिए इसे बबल सी बनना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने इसमें जो जेलेटिन मिक्स किया था वो ऐड करते जाना है। अब आपने शुगर सिरप और जेलेटिन का जो मिक्सचर है उसको तब तक पकाते जाना है जब तक कि तीनों इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब ना हो जाएं। 10 से 15 मिनट आपने इसको भी ऐसे ही पकाते जाना है और इसमें चम्मच आपने साथ साथ लास्ट में हिलाते जाना है। इंग्रेडिएंट्स सारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं, अब मैं इसको कुछ देर के लिए थोड़ा सा ठंडा करूँगी ताकि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए, उसके बाद मैं इसको अच्छे से बीट करूँगी। ये मैंने एक बाउल में ऐड कर लिया और मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। ड्रॉप्स वनीला एसेंस के ऐड कर देने, मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिए, हम इसको अगेन अच्छे से बीट करेंगे। ग्रीन कलर फूड कलर ऐड कर दिए हम, अगेन इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। अब हमने इसको मोल्ड में पोर कर लेना मटेरियल को। मटेरियल मोल्ड में हो चुका है अच्छे से पोर, अब आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें एक और लाइट पिंक से कलर ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया, इसको भी हम उसी में पोर कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने इसको कवर अप कर दिया है। अब आपने इसको 6 से 7 घंटे फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छे से जम जाए और इसकी एक शेप प्रिपेयर हो जाए। सो व्यूअर्स, ऑलमोस्ट 7 to 8 आवर्स मैंने मार्शमेलो का जो मटेरियल था फ्रीज़र में रखा और अभी अच्छे से जो है जम चुकी है, फ्रीज़ हो चुकी है। अब मैं इसको यहाँ पर निकाल के आपको दिखाती हूँ। देख लिए अब आप, मार्शमेलो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखें कितना फ्लफ़ी फ्लफ़ी सा है, जैसे बाज़ार में मिलती है। अब आप घर में भी मार्शमेलो बना सकते हैं बिना किसी मसले के।
अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं।